हेलो एवरीबॉडी। सो कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल किया था जिसमें मैंने आपसे पूछा था, शुड आई मेक वीडियो डेडिकेटेड टू रमदान डाइट। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने, ओवर 85% पीपल ने बोला था यस यू शुड डू इट, एंड देर वर अ लॉट ऑफ वोट्स, ऑलमोस्ट 3000 वोट्स वर ऑन दैट पोल। अब मैं काफ़ी दिनों से ये वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेल, आई एम स्लीपिंग ऑलमोस्ट 16 आवर्स अ डे सिंस लास्ट 4 डेज। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है एंड आई एम फीलिंग वीक और मेरे सर में काफ़ी दर्द है, दैट इज़ वाई इस वीडियो में थोड़ा डिले हो गया। यू हैव बीन सीइंग कि मैं ज़्यादा पोस्ट भी नहीं कर रहा हूँ आजकल, बट आई हैड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज अगर मैं और लेट करूँगा तो इस वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलेगा, दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो नाउ। आई एम सॉरी आई एम पोस्टिंग इट लेट, अभी मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रहा हूँ, बट या आई वोक अप एट 7 PM अप्रॉक्सीमेटली, सो आफ्टर दैट आई हैड समथिंग एंड नाउ आई हैव द टाइम टू मेक अ वीडियो, देन आई विल गो बैक टू स्लीप। सो लेट्स स्टार्ट। सो रमदान में बेसिकली पीपल डाइट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, ठीक है। सो पहला मील जो आप करते हो दैट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रेक, दैट्स कॉल्ड सुहूर, ठीक है। ड्यूरिंग सुहूर मैं आपको एक कैलोरीज नहीं बताने वाला हूँ, या फिर आप ये बात ध्यान रखिए कि इस वीडियो में मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि इतने ग्राम ये खाइए, इतनी क्वांटिटी ये खाइए, इतना ये खाइए, इतना ये खाइए। इसका रीज़न ये है बिकॉज हर इंसान को अपने गोल के हिसाब से अपनी कैलोरीज और जो भी वो चीज़ें खा रहे हैं उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस वीडियो में ये बता दूंगा रमदान डाइट और मैं उसमें लिख दूंगा कि इतना इतना क्वांटिटी में इतना इतना ये खाओ, तो ये हर इंसान के लिए सही नहीं होगा। ओके, नाउ मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू केयर ऑफ। आपको अपनी कैलोरीज और आपके मैक्रोज जो आप रमदान के पहले फॉलो करते थे सेम वही फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू योर गोल। अगर आपको वेट गेन करना है ईट इन अ सरप्लस ऑफ 200-300, अगर आपको वेट लॉस करना है ईट इन अ डेफिसिट ऑफ 200-300, स्टार्ट विद द डेफिसिट ऑफ 200-300, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, आप मुझे मैं बताता हूँ आपको कैसे अपने मील्स प्लान करने हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला मील जो आप फास्ट के पहले लोगे दैट इज़ कॉल्ड सुहूर। तो सुहूर के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जितने भी फूड आप खाओगे दैट शुड बी न्यूट्रिशन डेंस, ठीक है, कैलोरिक डेंस होने चाहिए और कॉम्प्लेक्स कार्ब हों या फिर स्लो GI, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो हैं वो आपको खाने हैं। यू कैन ऐड इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि आप इंक्लूड कर सकते हो ओट्स, इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन हैव चपाती इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन हैव मल्टीग्रेन चपाती इफ़ यू वॉन्ट, कीनवा खा सकते हो आप। आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं इन फर्स्ट मील। उसके साथ आपको प्रोटीन में यू कैन टेक एनी प्रोटीन, चिकन, कोई भी मीट ले सकते हो आप, चिकन ले सकते हो, यू कैन टेक फिश अगर आप फिश खाते हो, मटन ले सकते हो। दीज आर ऑल स्लो डाइजेस्टिंग, आपको पता होगा प्रोटीन को वैसे भी डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, एंड आप कोई भी नॉनवेज उसके साथ इंक्लूड कर सकते हो। विद दैट यू नीड टू ऐड इन सम गुड फैट्स, आप उसके साथ नट्स इंक्लूड करो, किसी भी प्रकार के वॉलनट्स, आमंड्स, पीनट्स, जो भी आपको अच्छा लगे वो इंक्लूड करो, एंड ऐड इन सम वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइबर शुड बी गुड इन योर डाइट ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर हम इस पूरी डाइट में कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा प्रोटीन इंक्लूड करें थ्रू मीट, ताकि हमें ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा कम कैलोरीज में ज़्यादा प्रोटीन मिल पाए, एंड इट शुड बी स्लो डाइजेस्टिंग, दैट इज़ वाई आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू ऐड इन वेजिटेबल्स इन योर सुहूर मील। तो क्या क्या ऐड करना है आपको पहले मील में, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी ऐड करने हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ओट्स ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड इन कीनवा ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड इन मल्टीग्रेन चपाती या नॉर्मल चपाती विच भी चलेगी, उसके साथ यू कैन ऐड इन चिकन, फिश, मटन, वॉट एवर यू लाइक। उसके साथ यू नीड टू एड इन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, अगर आप खाना चाहो तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़्यादा ऐड करो। उसके साथ ऐड इन सम नट्स, नट्स कोई भी ऐड कर सकते हो, तो एक कम्प्लीट मील आपकी बनेगी। इस मील में क्या कैलोरीज होनी चाहिए, क्या मैक्रोज होनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर गोल आपको वो सेट करना है। कोई पर्टिकुलर मैं अमाउंट नहीं दूंगा बिकॉज आपका गोल वेट लॉस, वेट गेन कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ही आप इसकी कैलोरीज को सेट करिएगा। ओके, डोंट ओवर ईट अलॉट बिकॉज देन यू माइट फेस डाइजेस्टिंग इशूज ऑल्सो, क्योंकि आगे आने वाले पूरे पीरियड में यू विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाटर, राइट। नाउ आफ्टर यू ब्रेक योर फास्ट, दैट मील इज कॉल्ड इफ्तार। उस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि यू आर ईटिंग फास्ट डाइजेस्टिंग फूड्स, ठीक है। उसमें आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, यू कैन हैव वाइट राइस, उसके साथ यू कैन हैव एग वाइट्स ले सकते हो,
यू कैन हैव वे प्रोटीन, अगर आप लेते हो तो हैव टू स्कूप्स ऑफ वे प्रोटीन, हैव सम डेट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करो। आपका एम ये होना चाहिए कि उस मील में आप फास्ट डाइजेस्टिंग चीज़ें इंक्लूड करो, ताकि बिकॉज यू हैव बीन ऑन अ फास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आप 14 से 16 घंटे तक फास्ट में रहे हो, नाउ योर बॉडी विल नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसी चीज़ें ऐड करो जो जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी को जल्दी से जल्दी एनर्जी दे। दैट इज़ वाई आई वुड सजेस्ट यू फास्ट डाइजेस्टिंग थिंग्स, कार्बोहाइड्रेट भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड करो आप जो जल्दी आपको एनर्जी दे पाए, फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन इंक्लूड करो, एग वाइट्स हो गया, वे प्रोटीन हो गया, ऐड दीज थिंग्स, और ऐड इन सम वेजिटेबल्स, अगर वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, उसके साथ ऐड इन सम डेट्स, डेट्स खाते ही हैं रमजान के टाइम पे लोग, आपको भी खाने ही हैं उस टाइम पे, यू कैन ऐड इन सम डेट्स, ठीक है। ये होगी हमारी सेकेंड मील। अब आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यार आप डिनर स्किप ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यार, दे हैव अ हैवी इफ्तार वाला मील, दे हैव अ वेरी हैवी मील, और फिर वो उसके बाद कुछ खाते नहीं हैं, और कुछ खाते हैं तो तली हुई चीज़ें, शुगर कोटेड थिंग्स, ये सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। अवॉइड दोज थिंग्स, नहीं खाना है, स्टिक टू योर गोल। आप रामनाम के दौरान भी अपना गोल अचीव कर सकते हो, अगर गोल नहीं अचीव कर रहे हो, एटलीस्ट जो आपने उसके पहले रिजल्ट्स लाए थे एटलीस्ट उनको मेंटेन करने की कोशिश करो, ठीक है। सो डोंट रूइन योर डाइट बाय ईटिंग फ्राइड फूड, शुगर कोटेड फूड, या फिर ऐसी चीज़ें जो आपके गोल को हार्म कर सकती हैं, जो भी आपका गोल है, ठीक है। डिनर में फिर आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है, हैव सम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हैव सम चिकन, हैव सम मीट, हैव सम वेजिटेबल्स, विद दैट यू कैन ऐड इन सम योगर्ट और या कर्ड यू कैन ऐड इन दैट मील। तो ये एक आपका एक और कंप्लीट मील बन जाएगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट गोल ये होना चाहिए कि आप इन तीन मील्स के, चाहो तो आप चार मील भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन चार मील्स के थ्रू आपका जो भी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करो। सेकेंड ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन इंटेक अपना कम नहीं रखना है, प्रोटीन इंटेक प्रॉपर रखना है, बिकॉज यू विल नॉट बी ईटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वी वॉन्ट टू रिटेन अवर मसल मास, जो भी है हमको अपना बचाना है मसल मास, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल लूज अ लॉट ऑफ मसल वाइल दिस मंथ, ओके। सो यू हैव टू कम्प्लीट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। उसके बाद यू नीड टू अवॉइड शुगर कोटेड और फ्राइड फूड, जैसा कि मैंने आपको बोला। अब हाइड्रेशन इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, आप प्यास और मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, और बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो फास्टिंग के टाइम पे ये दे वर्कआउट, उनको ऐसा लगता है कि मैं इस टाइम पे वर्कआउट करूँगा तो आई विल लूज फैट, ठीक है। बट ये करना सही नहीं होगा। माय सजेशन टू यू वुड बी कि आप जो आपका नॉन फास्टिंग पीरियड है उसी के टाइम पे कहीं वर्कआउट करो, आप कभी भी कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले, उस नॉन फास्टिंग पीरियड के टाइम पे ही आपको वर्कआउट करना है, बिकॉज यार आप पानी नहीं पी पाओगे उस पीरियड के दौरान एंड यू माइट फेस डिहाइड्रेशन, आप डिहाइड्रेट हो सकते हो। सो नॉन फास्टिंग पीरियड के टाइम पे वर्कआउट करो, और उसी पीरियड के टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि आप 3 लीटर तक पानी पी पाओ, 3 लीटर तक पानी पियो, ठीक है। एकदम से नहीं पियो कि 1 लीटर 1.5 लीटर एकदम से पी रहे हो, ऐसा नहीं करना। इवन इफ़ यू विल ड्रिंक 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, 1 आवर के गैप में ही पियोगे तो आपका 3 लीटर ईजिली ख़त्म हो जाएगा। अनदर सजेशन वुड बी कि आप इलेक्ट्रॉल ऐड कर सकते हो पानी के साथ, दैट विल हेल्प यू इन हाइड्रेटिंग योरसेल्फ फॉर द होल डे, ये एक और सजेशन है मेरी तरफ से। सो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि आपका सुहूर मील कैसा होना चाहिए, फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली स्लो डाइजेस्टिंग फूड उसमें ज़्यादा होने चाहिए, कैलोरिक डेंस फूड ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद इफ्तार के टाइम पे यू हैव टू हैव स्लो डाइजेस्टिंग फूड्स, फास्ट डाइजेस्टिंग फूड्स जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएं, जल्दी आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, वे प्रोटीन, एग वाइट्स ले सकते हो, डेट्स ले सकते हो, हैव दिस इन योर इफ्तार मील। फिर डिनर आप स्किप मत करें, या फिर फ्राइड या शुगर कोटेड चीज़ नहीं खाएं उस टाइम पे। ट्राई टू हैव हेल्दी मील विद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ऐड इन सम वेजिटेबल्स उस मील में भी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइड्रेशन इज अ वेरी बिग फैक्टर, वर्कआउट नॉन फास्टिंग पीरियड के दौरान ही करें। उसके बाद ट्राई टू कंप्लीट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक ड्यूरिंग दैट पीरियड, और कोशिश करें कि आप हो सके तो पानी में इलेक्ट्रॉल मिला के भी पिए, 1 लीटर पानी ले, 1 लीटर की बॉटल में 1 पैकेट इलेक्ट्रॉल मिलाएं एंड ट्राई टू कंप्लीट दैट बॉटल इन दैट पीरियड, ताकि आपको डिहाइड्रेशन फेस ना करना पड़े ड्यूरिंग योर फास्टिंग पीरियड। होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा।
बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला रमज़ान डाइट बताओ, बट यार डाइट हर इंसान के लिए अलग होती है। आई कैन गिव यू टिप्स हाउ यू कैन मैनेज योर कैलोरीज, हाउ यू कैन मैनेज योर डाइट एंड डोंट रूइन योर रिजल्ट्स जो आपको पहले मिले थे बाय बीइंग स्मार्ट विद द मील्स, बाय बीइंग स्मार्ट विद द मील्स दैट यू आर ईटिंग, बाय हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज, ड्रिंकिंग इनफ वाटर, डिहाइड्रेट नहीं होना, वर्किंग आउट ड्यूरिंग दैट पीरियड। बट एक पर्टिकुलर चीज़ें क्वांटिटी में मैं नहीं बता सकता, अगर आपको कोई बता रहा है तो ही इज़ डम्ब, वो बेवकूफ़ है, बिकॉज उसको नहीं पता कि यार हर इंसान का अलग गोल होता है एंड उसके हिसाब से उसको अलग चीज़ें खानी पड़ती हैं। बट दिस इज़ वॉट द बेसिक प्लान शुड बी जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प किया होगा, हेल्प किया तो एक लाइक कर देना भाई के लिए एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।